हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायलॉ एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 12, सेक्शन 13 और सेक्शन 14 को डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 13, सेक्शन 14 बहुत इम्पॉर्टेंट है और सेक्शन 12 भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कुछ ऐसी कंडीशंस को वाइड डिक्लेयर करता है जो इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलिनेशन के संबंध में लागू होते हैं। सबसे पहले हम लोग सेक्शन 12 पे बात करते हैं। सेक्शन 12 की हेडिंग आप देखोगे, कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटरमिनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलिनेशन। ठीक है, यानी कि सेक्शन 12 जो है वो सेक्शन 31 का एक्सेप्शन है। सेक्शन 31 क्या बोलता है? सेक्शन 31 कंडीशन सब्सिक्वेंट की बात करता है, यानी कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किसी सब्सिक्वेंट कंडीशन पर भी डिपेंड कर सकता है। सब्सिक्वेंट कंडीशन का मतलब जो बाद में पूरी होने वाली कंडीशन हो। फॉर एग्जांपल, किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया गया और ये कंडीशन लगा दी गई कि अगर ये पर्टिकुलर शर्त पूरी नहीं होती है तो जो ट्रांसफ़र है वो सीज हो जाएगा। तो ट्रांसफ़र होने के बाद जो कंडीशन लगाई जाती है उसको कंडीशन सब्सिक्वेंट बोलते हैं। सेक्शन 31 कॉन्टिंजेंट जो कंडीशन लगाई जाती है उसके बारे में प्रोविज़न करता है, यानी कि ये कंडीशन सब्सिक्वेंट के बारे में प्रोविज़न करता है सेक्शन 31। लेकिन सेक्शन 12 इस 31 का एक्सेप्शन है। सेक्शन 12 ऐसी कंडीशन सब्सिक्वेंट को वॉइड डिक्लेयर करता है जो इंसॉल्वेंसी लॉज को डिफीट करने के इंटेंशन के लिए बनाए गए हों, या जो अटेम्प्टेड एलिनेशन यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के प्रयास को वॉइड डिक्लेयर करते हों, प्रयास को जो है इनइफेक्टिव बनाने का कोशिश करते हों। ठीक है, इंसॉल्वेंसी का मतलब एक एग्जांपल देके मैं आपको बताऊं। कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई और ये कंडीशन लगा दी गई कि अगर ट्रांसफरी इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, तो प्रॉपर्टी लौट के ट्रांसफरर को आ जाएगी। तो यहाँ पर कंडीशन सब्सिक्वेंट है, कंडीशन सब्सिक्वेंट हो सकती है एज़ पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 31। लेकिन सेक्शन 12 ये बोलता है कि ऐसी कोई भी कंडीशन सब्सिक्वेंट नहीं होगी विच डिफीट द प्रोविजन ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉ। यानी कि ट्रांसफरी अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र की गई है वो रिवर्ट होकर ट्रांसफरर को नहीं जाएगी। ठीक है, अगर ट्रांसफरर ऐसी कोई कंडीशन लगाता है तो दैट कंडीशन शैल बी वॉइड। अब होगा क्या, अगर ट्रांसफरी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी। इंसॉल्वेंसी जो ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, उनको वो क्या करेंगे, वो प्रॉपर्टी को नीलाम करेंगे, ऑक्शन करेंगे और उसके बाद पैसे को रिकवर किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इंसॉल्वेंसी प्रोविज़न को डिफीट करने के उद्देश्य से जो एक कंडीशन लगाई जाती है वो वाइड होती है। इसके अलावा सेक्शन 12 ये भी बोल रहा है कि अगर ट्रांसफरी उस प्रॉपर्टी को आगे एलिनेट करने का प्रयास करता है, यानी आगे बेचने का प्रयास करता है, तो ये प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र इसका सीज हो जाएगा और लौट के ट्रांसफरर के पास आ जाएगी। तो ये कंडीशन भी क्या है, वाइड है, क्योंकि ट्रांसफरर प्रॉपर्टी को इन एलियनेबल नहीं बना सकता है। तो सेक्शन 12 फ्रेंड्स इन दो बातों पर आधारित है। एक तो इंसॉल्वेंसी के प्रोविज़न को डिफीट करने के उद्देश्य से अगर कोई कंडीशन डाली गई है तो ऐसी कंडीशन वाइड हो जाएगी, और अगर प्रॉपर्टी के एलियनेशन को रोकने का प्रयास किया गया है तो ऐसी कंडीशन वाइड हो जाएगी। क्लियर, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रोविज़न पर, सेक्शन 13। सेक्शन 13 इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सेक्शन 5 के अंतर्गत हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का एक एसेंशियल एलिमेंट ये होता है कि प्रॉपर्टी हमेशा टू लिविंग पर्सन के बीच में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इंटर विवोस या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन टू लिविंग पर्सन, इफ़ अ पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। लेकिन सेक्शन 13
इज द एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल. प्रॉपर्टी दो जीवित व्यक्तियों के बीच में अंतरित होगी, इस जनरल रूल का एक्सेप्शन है सेक्शन 13. सेक्शन 13 जो है वो अनबॉर्न चाइल्ड, एक ऐसा बच्चा जो भी पैदा नहीं हुआ है, एक ऐसा पर्सन जो भी पैदा नहीं हुआ है, उसके फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट करने के बारे में प्रोविजन करता है. क्लियर? सेक्शन 13 की आप हेडिंग देखोगे, ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, है ना. इसका आगे आप सेक्शन 13 के अंतर्गत कंटेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर यह लिखा हुआ है कि किसी अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है. क्लियर? यानी कि अगर आप किसी अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो तो प्रॉपर्टी को सीधा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति एग्जिस्टेंस में नहीं है उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है. अब इसमें होगा किस तरीके से, वो तरीका, वो मैनर सेक्शन 13 में प्रिस्क्राइब किया गया है. सेक्शन 13 बोल रहा है कि अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट क्रिएट किया जाएगा. ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी द इंटरेस्ट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन. और जो इंटरेस्ट क्रिएट किया जाएगा उस प्रॉपर्टी में अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए, ठीक है, वो इंटरेस्ट किसी लिविंग पर्सन के थ्रू ट्रांसफ़र होगा. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये एग्जांपल बहुत क्लियर कर देगा आपके कॉन्सेप्ट को कि ए ट्रांसफरर है, ठीक है, ए ट्रांसफरर है और सी अनबॉर्न चाइल्ड है. अब जिस समय ए प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है उस समय सी एग्जिस्टेंस में नहीं है, सी इज़ नॉट इन द एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी. तो ए कैन नॉट डायरेक्टली ट्रांसफ़र टू सी, ए कैन नॉट डायरेक्टली ट्रांसफ़र टू सी बिकॉज सी डज नॉट एग्जिस्ट. तो यहाँ पर ए क्या करेगा, ए किसी एक लिविंग पर्सन को, ठीक है, उसके लाइफ टाइम के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा. जैसे बी है, बी लिविंग पर्सन है तो ए इस प्रॉपर्टी को बी को ट्रांसफ़र करेगा, और जब सी पैदा हो जाएगा, एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, तो बी से यह प्रॉपर्टी सी में चली जाएगी. ठीक है, तो इंटरेस्ट का क्रिएशन सी के फेवर में किया जा रहा है ना, लेकिन प्रॉपर्टी सीधी सी को ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, प्रॉपर्टी एक लिविंग पर्सन के थ्रू इंटरेस्ट क्रिएट हो गया. अब प्रॉपर्टी लिविंग पर्सन के थ्रू सी में तब जाएगी जब सी पैदा होगा. तो यानी कि बी को लाइफ टाइम के लिए ये प्रॉपर्टी मिल रही है, और जब सी पैदा हो जाएगा तो सी को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी. क्लियर? अब यहाँ पर दो बातें आपको समझनी हैं, आप दो बातें समझ सकते हो. वो दो बातें ये हैं कि जो लिविंग पर्सन है, ठीक है, उसके लिए प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और जो नॉन लिविंग पर्सन है उसमें अल्टीमेट इंटरेस्ट क्रिएट होगा. यानी कि प्रायर इंटरेस्ट शैल बी वेस्टेड इन बी, प्रायर इंटरेस्ट वेस्ट होगा बी में और अल्टीमेट इंटरेस्ट वेस्ट होगा सी में. क्लियर? एक प्रायर इंटरेस्ट और अल्टीमेट इंटरेस्ट, ये क्या होता है? प्रायर इंटरेस्ट का मतलब कि प्रॉपर्टी तो अल्टीमेटली उस पर्सन को ही जानी है जिस पर्सन के लिए इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है. ठीक है, मतलब ए इज़ इंटेंडेड टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी टू सी अल्टीमेटली, लेकिन बी तो एक मिडिल पर्सन है, चूँकि बी लिविंग पर्सन है, ठीक है, इसलिए बी को प्रॉपर्टी जा रही है लाइफ टाइम के लिए, तो बी को प्रायर इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि सी से पहले का जो इंटरेस्ट है वो बी को मिलेगा, और बी के बाद इंटरेस्ट सी में चला जाएगा. अब सी में जो इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक है, बी को प्रायर इंटरेस्ट आया, अब इसके बाद बचा हुआ जो इंटरेस्ट है वो पूरा सी में आ जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली पूरी प्रॉपर्टी सी में आ जाएगी. बी को प्रॉपर्टी जो मिल रही है वो सिर्फ उसके लाइफ टाइम के लिए मिल रही है. ठीक है, ए एग्जाम्पल देख लेते हैं, ए बी के अनबॉर्न के लिए, ठीक है,
प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाह रहा है, तो ए बी के जीवन काल के लिए उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देगा और इंटरेस्ट क्रिएट होगा सी के फेवर में जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, और जैसे ही सी एग्जिस्टेंस में आएगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफ़र हो जाएगी, ऐसा सेक्शन 13 बोल रहा है। सेक्शन 13 के बाद फ्रेंड्स सेक्शन 14 जो है वो रिलेटेड टॉपिक है। सेक्शन 14 और आगे प्रोविज़न करता है, क्लेरिफाई करता है। सेक्शन 14 जो है रूल अगेंस्ट परपेचुटी से संबंधित है, ठीक है। रूल अगेंस्ट परपेचुटी का मतलब ये होता है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र करने के संबंध में प्रोविजंस नहीं कर सकते हो। यानी कि जो एग्जांपल हमने सेक्शन 13 के अंतर्गत लिया कि ए बी के अनबॉर्न सी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाह रहा है, तो बी में प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया और बी के बाद पूरी प्रॉपर्टी अल्टीमेटली सी में चली जाएगी, ठीक है। सी यहाँ पर अनबॉर्न है, लेकिन ए ऐसा नहीं कर सकता है कि सी के बाद सी का जो बेटा होगा उसमें जाएगी डी, डी के बाद उसका जो बेटा होगा ई उसमें जाएगी। तो यहाँ पर ए ने क्या किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांजेक्शन को ट्रांसफ़र को फिक्स कर दिया है। सेक्शन 14 इसी का ही निषेध करता है। सेक्शन 14 बोलता है कि परपेचुटी में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, ठीक है, निरंतरता में। कि आपने अभी फिक्स कर दिया कि प्रॉपर्टी अभी इसको गई, फिर आगे उसको जाएगी, फिर उसके बाद उसको जाएगी, जो अभी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, तो प्रॉपर्टी जो है उसकी ट्रांसफरेबिलिटी को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। आप अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन किसी एक ही अनबॉर्न पर्सन को कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले आप लिविंग पर्सन में प्रायर इंटरेस्ट वेस्ट करेंगे, और प्रायर इंटरेस्ट के बाद एब्सोल्यूट इंटरेस्ट किस में जाएगा, अनबॉर्न पर्सन में। अब अनबॉर्न पर्सन को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ही उसमें वेस्ट हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते हो कि अनबॉर्न में आपने प्रायर कर दिया और फिर उसके बाद जो दूसरा अनबॉर्न है उसमें आपने एब्सोल्यूट कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी है वो किसी एक ही अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है, वो भी कैसे, ये जो प्रोसेस सेक्शन 13 में बताया गया है इस प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद अगर आप करते हो कि अनबॉर्न, फिर उसके बाद दूसरा अनबॉर्न, फिर उसके बाद नेक्स्ट अनबॉर्न, तो इस तरीके का ट्रांसफ़र वैलिड ट्रांसफ़र नहीं होता है। सेक्शन 14 इसी रूल के बारे में प्रोविज़न कर रहा है, ठीक है। अब सेक्शन 14 के बाद सेक्शन 20 देखते हैं। सेक्शन 20 बोलता है कि कोई भी अनबॉर्न चाइल्ड जिसके लिए इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, तो वो इंटरेस्ट कब उसमें वेस्ट हो जाएगा, कब उसको उस प्रॉपर्टी को उपभोग करने का राइट मिल जाएगा। सेक्शन 20 बोल रहा है कि कोई अनबॉर्न पर्सन जैसे ही वो पैदा होता है, ठीक है, जो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट उसको दिया गया है वो इंटरेस्ट उसको पैदा होते ही मिल जाता है, पैदा होते ही उसके उसमें वेस्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसके इन्जॉयमेंट को, उपभोग को हम टाल सकते हैं। वो कब तक टाल सकते हैं? मैक्सिमम उसके मेजर होने तक टाल सकते हैं। यानी कि जो बी है जिसमें प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, ठीक है, ये मैक्सिमम इस प्रॉपर्टी के इन्जॉयमेंट को तब तक ही रिटेन कर पाएगा जब तक सी मेजर नहीं हो जाता है। यानी कि सी के पैदा होते ही प्रॉपर्टी तो इसको मिल जाएगी, इंटरेस्ट तो उसमें वेस्ट हो गया, लेकिन ये इसका उपभोग कब करेगा, तो इसे मैक्सिमम इसके 18 साल के होने तक रोका जा सकता है, 18 साल के बाद इसको नहीं रोका जा सकता है। 18 साल के बाद प्रॉपर्टी बी से निकल के एब्सोल्यूटली सी के हाथ में आ जाएगी। तो सेक्शन 20 ये बता रहा है कि कब जो इंटरेस्ट, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट अनबॉर्न के फेवर में क्रिएट किया गया है, कब उसमें वेस्ट होगा और कितने समय तक उसके उपभोग को, उसके एन्जॉयमेंट को रोका जा सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज ये चार प्रोविजन सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14 और सेक्शन 20, ये प्रोविजन्स आज हमने यहाँ पर देख लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शंस में डिटेल दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज लिप कर सकते हो, मेल कर सकते हो और आपकी क्वेरी को हम
रिवर्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच.